हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मिता जयकृष्णी चैनल पर। और आज का हमारा एकदम ही बिल्कुल ही नया विषय है और वो है दिवाली डेकोरेशन आइडिया। यानी कि अभी नज़दीक में दीपावली आ रही है, तो दीपावली पर हम कैसे अपने घर को सजा सकते हैं। तो आजकल मेरे घर में अभी फर्नीचर का काम चल रहा है, तो जो वुडन वेस्ट है, वुडन वेस्ट में एक DIY बनाऊंगी आज, आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं ये DIY। फ्रेंड्स, मैंने अपने घर के घर में जो भी फर्नीचर का वुडन वेस्ट निकला था, वो लकड़ी के टुकड़ों में से मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा सिलेक्ट किया है। जितना मुझे चाहिए था ये उतनी ही साइज़ का टुकड़ा था, इसलिए मुझे इसमें कटिंग वटिंग कुछ करना नहीं पड़ा था। अब आप देख रहे हैं कि इस वुडन के जो जो टुकड़ा है उसको मैंने कलर कर लिया है। और मैंने इस पर दो बार कलर किया है। पहले बार कलर करने के बाद उसको सोखने दिया था, और उसके बाद फिर से दूसरा लेयर भी उस पर मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा निखर कर आया है। कलर करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें मैंने चार होल भी बना रखे हैं, तो ये चार होल मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से बनाए हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इस जो हमने होल बनाए हैं उसमें, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी लेस पड़ी थी गोल्डन कलर की, तो मुझे लगा कि ये लेस इसमें बहुत अच्छी जाएगी, सेट होगी। तो इस लेस को मैं इस लकड़ी के टुकड़े के जो चार होल है उस चारों होल में से इसे पास करके उसको मैं हैंगर की तरह बनाने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लेस है उसका जो छोर होता है वो बहुत ही चौड़ाई वाला होता है, तो वो छेद में जो होल है लकड़ी में उसमें जाएगा नहीं। तो मैंने सेलो टेप से उस छोर को ऐसे कर लिया है कि वो इजीली इसमें जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इस छोर को जो बहुत ही चौड़ा था उसको पतला कर लिया है, और उस होल में से उसको पास भी कर लिया है। तो इसी तरह धीरे धीरे हम चारों जो होल है उसमें से इस लेस को पास कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दीपावली आ रही है, तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना जो ये वुडन वेस्ट है इसमें से एक अच्छा सा DIY तैयार किया जाए। और अभी मेरे घर में फर्नीचर का काम भी चल रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर ये सारी चीज़ें भी मुझे इजीली यहाँ से मिल भी जाती जाएगी। और जो मैंने इसको कलर करने के लिए जो मैंने यूज़ किया है, वो जब मैंने अपना घर कलर करवाया था तो उस वक्त जो भी कलर बचा था वो सारे डिब्बे हमने उसको अभी बचा के रखे हैं। तो उसी कलर को, यानी कि मेरे घर में जो दीवार पर करने वाला जो कलर था उसी वाइट कलर से मैंने इस लकड़ी की टुकड़ी पर वाइट कलर कर दिया है। ये एकदम वाइट नहीं है लेकिन क्रीम पर ये वाइट है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लेस था उस लेस को होल में से पास करके चारों हॉल में से थ्रो उसको बाहर ला दिया गया है। और अब मैं उस पर नॉब लगाने वाली हूँ, यानी कि इसको अच्छे से हैंग कर सके इस प्रकार, और उसका बैलेंस भी अच्छा रहे। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बैलेंस में भी रहना चाहिए। इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया है, नीचे मैंने गांठ लगा दी है। अब फ्रेंड्स, जो लेस को गांठ बांधने के बाद जो बचा हुआ था उसको मैंने कट कर लिया है, और अब मैं नीडल से, सुई धागे से, मेरे पास जो ऐसा मोती वगैरह पड़ा था तो उसी से मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए सोचा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मोती और जो भी थे मेरे पास उसको जोड़कर ये अच्छा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्रकार मैंने बहुत ही अच्छा एक DIY तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक हैंगर टाइप बना है, और इस हैंगर में आप टॉयज़ भी हैंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैंने एक DIY प्लांट बनाया था, तो उसी प्लांट को यहाँ मैंने हैंग किया है।
इस हैंगर को आप घर के बाहर भी हैंग कर सकते हैं, घर के अंदर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, दीपावली आने का एहसास तभी होता है जब घर में कुछ नयापन आता है। हम सबको पता है कि दीपावली के आने पर हम घर की सजावट करते हैं, कुछ ना कुछ नया हम घर में करते ही है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना